मनमानी ही हमारी दुश्मन होती है कामयाबी की। एक्चुअली फ्रेंड्स, जिन जिन कामों को करने में हमें शर्म आती है ओपनली, वही चीज हमें जिताती है। और कई बार हम जो मनमानी करते हैं गुप्त रूप से पर्दे के पीछे, वही चीज हमें गड्ढे में ढकेलती है। हेलो, अब वो आपको पता है। तो इम्पोर्टेंट पार्ट ये है, आज ओपन प्लान ये हो रहा है, पीओपी है, जीटीएस है, गेटवे टू सक्सेस, खुल्ला खुल्ला स्टेज पे आकर के जिन्होंने भी इनकम आज बनाई है, वो चाहे 500 रुपए है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लोग हैं जिन्होंने यहाँ पर आज 500,000 रुपए बना करके स्टेज पे पहुंचे हैं। भले आज बहुत ज्यादा उनको बोलने का अभ्यास नहीं हुआ है, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है कि बहुत अच्छे से बोल सकते हैं या कई लोगों को एड्रेस कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात है उन्होंने कोशिश की। क्योंकि आज जो लोग भी अच्छे से बोल पा रहे हैं, यहाँ पर जेडटीसी लीडर ने बोला, यहाँ पर डीटीसी ने बोला, यहाँ पर एटीसी ने बोला, यहाँ पर टीसी ने, बहुत सारे लोग अच्छा अच्छा बोल कर गए हैं। जिन लोगों ने आज अच्छा बोला है, लेकिन कभी ना कभी इनका पहला दिन था जब वो अच्छा बोलना नहीं जानते थे। बस मजीद आज मैं जो अच्छी अच्छी बात कर रहा हूं आपसे, आज जो कॉन्फिडेंस दिख रहा है आपको, ये कॉन्फिडेंस पहले दिन नहीं था। पहली बार मुझे आज तक याद है, कई साल पहले एक ब्यूटी पार्लर हुआ करता था आवास विकास में, आज भी है वो, और वहां पर मैं उस समय आगरा रहता था, और आगरा से यहां पर आया था, तो एक छोटी सी मीटिंग थी और किसी ने बोला, हमारे एक क्लाइंट है और उन्होंने बोला, एक व्यक्ति ने, कि अब बारी आएगी योगेंद्र श्रीवास्तव की। हाय राम, कसम से वो दिन ऐसा था कि बस आत्महत्या कर लो, स्टेज पे ना बुलवाए। सच बता रहा हूं, इतना डर लगता था सामने, और 4-6-8-10 लोग थे, एक प्रैक्टिस चल रही थी, तो मुझे पता ही नहीं था कि मेरा नाम बोला जाएगा। तो कमेंटर वो बैठा था, मैंने सुनने आए, और फिर नाम बोल गया, हार में ऐसा लगा कि जमीन निकल गई पैरों के नीचे से। कसम से लगा था दिल बाहर आ गया, बोले क्या, क्योंकि शब्द तो थे ही नहीं, बोलो क्या, क्या बोलो, बस इतना ही पता था कि नाम अपना और कर मैं क्या रहा हूं, बस इतना ही बताया। तो जब बता रहा था तो मतलब पैरों की तरफ देखा तो कसम से ऐसा, और जो थोड़ा बहुत दिमाग में था पैरों की तरफ ध्यान दिया तो दिमाग से बात ही निकल गई कि बोलना क्या था। अब मैं खड़ा हूं हाथ में माइक, और लोगों की मुस्कुराहट जो आज आप हंस रहे हो ना, पहले वही हंसी आ रही थी, लेकिन वो हंसी दूसरी टाइप की थी, आज दूसरी टाइप की है। हेलो, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, पहला दिन था जिस समय मेरे अंदर से लोगों को फेस करने का डर निकलने की शुरुआत हो चुकी थी। ठहर लिया था उस दिन कि अब तो मुझे लोगों को फेस करना है, मैं लोगों के सामने बोल सकता हूं और एक अच्छा स्पीकर बनके दिखाऊंगा, ये मैंने उस दिन ठान लिया था फ्रेंड्स। और आज उसी का नतीजा है कि लगातार लगता है कब माइक आ जाए हाथ में, कब होस्टिंग मिल जाए, कब प्लान मिल जाए। आज मजा आता है लोगों को साथ बात करने में, बोलने में, क्योंकि वो आज कॉन्फिडेंस आ चुका है। और एक किताब मैंने पढ़ी थी, उस किताब का नाम जो लेना चाहूंगा, चाहे वो जो भी बिजनेस करें या ना करें, जिंदगी में कुछ अच्छी चीजें ग्रहण कर लेनी चाहिए। मैंने किताब पढ़ी थी बड़ी सोच का बड़ा जादू, रिटन बाय डेविड जे स्वार्ट्ज, ये पढ़ी थी 2005 में मैंने। उस किताब में पहला चैप्टर था बहाना साइंटिस्ट, कि बहाने बनाना बंद कर दो, जितने भी हम सोचते हैं इसलिए नहीं हो पाया, इसलिए नहीं हो पाया, इसलिए नहीं हो पाया, एक्चुअली हमें लगता है हम सही रीजन दे रहे हैं, एक्चुअली वो बहाना होता है। और दूसरा पढ़ा था कि जिस काम को करने में सबसे ज्यादा डर लगे उसको सबसे पहले कर दो, डर हमेशा यही खत्म हो जाए। अब मुझे जिस काम को करने में डर लगता है उसको सबसे पहले कर देता हूं, लेकिन वो काम लीगल होना चाहिए। वैसे तो मर्डर करने में डर लगता है नहीं, कि अब बस बंदूक ढूंढने में लग जाएं। बात हो सुने, तो हमें पॉजिटिव चीजें लेना है और उसको करना है, और जिस काम को करने में डर लगे उसको सबसे पहले करना है। यदि किसी से बात करने में डर लगे तो कर दीजिए, अगर राय चलते किसी व्यक्ति से बात करनी है और अपने बिजनेस के में उसको लेना है तो फिर बात चालू कर देनी चाहिए हमें। अगर हम मुस्कुराएंगे तो सामने से क्या आएगी, बस जरूरी है अगर मेल है तो मेल की तरह मुस्कुराइए, फीमेल की तरह मुस्कुरा दे तो फिर बात अगली बार करने लायक नहीं रहेंगे। हेलो, बात क्लियर की नहीं।
तो फ्रेंड्स ये बिजनेस मुझे मिला था आज से कुछ 3 साल पहले, उरई में मैं रहता था, वहां इस बिजनेस को हमारे हम सारे लोगों के मैक्सिमम लोगों के ग्रेट अप्लाई हैं मिस्टर शरद कुमार सोनी सर, उनके लिए जोरदार तालियां चाहूंगा। और मैं उनके साथ आज काम कर रहा हूँ लगातार, और मुझे सिखाने वाले मेरे केयर टेकर ऐसे मान सकते हो कि पल-पल जिनको चिंता रहती है हम सारे लोगों की फील्ड में कहाँ हैं, कैसे काम कर रहे हैं, हमारी रेंज जल्दी से आ जाए, हमें जल्दी से बड़ा पैसा आ जाए, इसके लिए एक ग्रेट शख्सियत जिनका बुंदेलखंड में एक जबरदस्त नाम है, द फर्स्ट एंटी लीडर मिस्टर सोनू राय सर के लिए जोरदार तालियां चाहूंगा। अगर कोरोना होते तो हम सारे लोग ऐसे बैठ के आज मीटिंग नहीं कर रहे होते, क्योंकि उन्होंने ही हमें सिखाया है। और एक ग्रेट शख्सियत जिन्होंने बुंदेलखंड में टीम स्पार्टन्स की नींव रखी, हम सारे लोगों के अंदर एनर्जी भरी है, हम सारे लोगों के अंदर एक्साइटमेंट की अगर वो खून दौड़ता है हमारे अंदर, तो उन्हीं का दिया हुआ है मिस्टर अमित शर्मा सर, उनको फ्रेंड्स ये ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से हम आगे बढ़ रहे हैं। इंपॉर्टेंट आती है बात आती है चाहत की, उन्होंने तो चाहा था कि हमारे पास इनकम आए, उन्होंने तो चाहा था कि हम अच्छे स्पीकर बने, उन्होंने तो चाहा था कि बुंदेलखंड में टीम स्पार्टन्स का नाम हो। कई लोगों के साथ ऐसा चाहा था कि हर व्यक्ति कामयाब बने, कई सारे लोगों को इसी जीटीएस में बुलाया गया था, कई सारे लोग यहां पर आए भी थे, लेकिन सारे लोग आज यहां पर नहीं है। हेलो, यहां पर मतलब माई लाइफ के अंदर कई सारे लोगों को कामयाबी आ सकती है, आती भी है, बहुत सारे लोग जबरदस्त तरीके से कामयाब होते जा रहे हैं, लेकिन वही कामयाब होते हैं जिनकी चाहत भी होती है कामयाब होने की। यदि हम खुद कामयाब होना चाहते हैं तो हम प्लान भी करेंगे, हम बात भी करेंगे, हम फॉलो भी करेंगे, हम मीटिंग में भी आएंगे, सब कुछ होता है। और अगर यही बराबर 3 साल करते रहे तो हमारे ग्रेट अप्लाई मिस्टर सोंगराय सर कहते हैं कि अगर ऐसे ही 3 साल लगातार इसी टाइप की मीटिंग में आते रहे तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा नेटवर्क, एक बहुत बड़ी इनकम और एक बहुत बड़ी इमेज आपकी बनने वाली है। बस जरूरी है हमारे चेहरे का एक्साइटमेंट, हमारा एक कॉन्फिडेंस, हमारा विश्वास। इस बिजनेस को जब स्टार्ट किया था 3 साल पहले, पैदल चलता था, ट्यूशन पढ़ाता था, 14,000 रुपए बनाता था। 3 साल बाद की कंडीशन है कि आज अभी 25 तारीख को मैंने 25 अक्टूबर 2019 दीपावली के 2 दिन पहले धनतेरस को 13 लाख की कार उठाई है। पैदल चलने वाला 3 साल में 14,000 रुपए कमाने वाला व्यक्ति 13-14 लाख की कार उठाई है। इसका मतलब ये तारीफ मेरी नहीं है, क्योंकि मेरी तो था वही 3 साल पहले, और 3 साल पहले मैं सर 82 से कितना हो गया सर 18 मतलब उम्र ही जोड़ी बोल सकते हैं 18, 36, 37 साल का हो चुका हूं मैं, 37 इयर्स। यानी 3 साल पहले इस बिजनेस को स्टार्ट किया तो मैं कितने साल का था, बात समझो, 34 साल। पिछले 34 साल को जीते जीते जो नहीं हुआ था वो 3 साल में हो गया, तो 34 साल की उम्र भी मैंने नहीं जीती। 34 साल की उम्र किसकी थी, योगेश श्रीवास्तव की, और 37 साल की उम्र किसकी है, योगेश श्रीवास्तव की। इसका मतलब 34 साल में भी मैं ही था और 37 साल में ही मैं ही हूं, इसका मतलब करने वाला मैं नहीं हूं, करने वाला एक जबरदस्त सिस्टम है, अप्लाइड है, और इस बिजनेस में हम सारे लोगों के अंदर एजुकेशन देने वाला हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी है, और इन सबके ऊपर एक जबरदस्त मैनेजमेंट है, एक कंपनी है, देयर इज अ नंबर वन कंपनी इन एमआई लाइफ स्टाइल मार्केटिंग। उस कंपनी के सिस्टम को अपनाया, उसको लगातार करता जा रहा हूं। यदि आपने आप जो भी करते हो, आप वकील हो, आप डॉक्टर हो, आप इंजीनियर हो, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आप शिक्षक हैं, आप दुकानदार हैं, आप टीचर हैं, आप बेरोजगार हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप महिला हैं, आप पुरुष हैं, आप बुड्ढे हैं, जवान हैं, कुछ भी बने रहे, 18 साल से ऊपर यदि है, और यदि आपके अंदर चाहते जिंदगी में कुछ कर दिखाने की, तो एक ही प्लेटफॉर्म है जो आपको बहुत आगे तक ले आ सकता है, जहां एक भीड़ से अलग होकर के आपकी एक पहचान बन सकती है, आपकी जबरदस्त इनकम बन सकती है, आपकी रेंज बन सकती है, और एक खानदान में, एक पूरे संसार में एक चमकते हुए सितारे आप बन सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। थैंक यू।